चलिए क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। 2 में लिखा गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर, तो पहले इसको लिख लीजिए, 2t^4 +3t^3 -2t² -9t - 12। अब भाग कर दीजिए पहले पद से, देखिए t² -3। अब इसे भाग कीजिएगा तो कैसे, देखिएगा t² को कैसे किससे गुना किया जाए, कितने अंक से गुना किया जाए कि 2t^4 आ जाए। तो यहाँ पे 2t² से गुना करेंगे, 2t² से गुना कीजिएगा t² में, तो 2t^4 कितना आएगा, 4। देख सकते हैं -3 को 2t² में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 × 2 = 6, तो 6t² t² के सामने, तो -6t², बस। अब यहां पे माइनस कर दीजिए, यहां माइनस है तो यहां प्लस। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा, अब जो बच गया उसको लिखिए पहले, 3t^3, यहां पे प्लस में, यानी 6t² में से 2t² घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4t². फिर -9t - 12। अब कैसे किया जाए कि यहां पे 3t³ आ जाए, तो इसको मतलब t² को इतना बनाना है, 3t³, तो कितना से गुणा किया जाए, 3 और t से, +3t से, तो 3 × 3 और t यहां पे स्क्वायर है और एक यहां पे है, तो 3t³ हो जाएगा कि नहीं। फिर इसी को गुणा कीजिए, -3 को 3t में, 3 × 3 = 9 और टी रह जाएगा, तो -9t हो गया। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे माइनस दिखा दीजिए, यहां माइनस है यहां प्लस दिखा दीजिए, ये गायब हो गया। अब यहां पे देखिए 4t², फिर यहां पे 9t में से 9t घट जाएगा तो 0 हो गया, ये तो गायब हो गया, कितना बच जाएगा बोलिए, -12। अब देखिए यहां पे t² है और यहां 4t², तो यहां पे कितना स्क्वायर है, ये है यहां पे t² है, यहां पे भी t² है, सिर्फ 4 से गुना कर दीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा 4t², फिर 4 × 3 = 12, -12 माइनस यहां प्लस। अब देखिए ये तो कट गया, ये भी कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कट गया, 0 हो गया। क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। और अतः करके लिख दीजिए, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए आंसर हो गया, उतारिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए, काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे, आप ध्यान देते रहिए। इसको लिख लीजिए पहले, 3x^4 +5x^3 -7x² +2x+2 डिवाइड कीजिए कितना से, देखिए यहां पे x² +3x +1 हो गया। अब देखिए यहां पे 3x^4 है तो इसको भी इतना ही बनाना है, 3x^4, तो यहां पे 3 से भी करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, और यहां पे 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहां पे 4। 3x² से गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x^4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3x^4 हो जाएगा। फिर इसमें भी गुना करना होगा, इसको भी तीसरा पद में भी गुना करना है इसी को। चलिए 3x को गुना किया जाए इसमें तो 3 × 9 और x² को x³ हो जाएगा, यंतित यही 9 हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा, कोई दिक्कत।
फिर यहां पे वन में गुना करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर यानी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, सिंबल बदलिए माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। यहां पे देख लीजिए पांच में से नौ गया तो माइनस चार एक्स क्यूब। अब यहां देखिएगा माइनस 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 है तो माइनस ही होगा, सात तीन दस ये जुट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब फिर करना क्या है यहां पे देखिए कितना लाना है माइनस फोर एक्स क्यूब इतना ही लाना है इसको गुना करके, तो यहां माइनस फोर से भी गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर है एक और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस फोर एक्स से गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए इसको गुना कीजिए थ्री एक्स को माइनस फोर एक्स में गुना किया जाएगा तो चार तियाई बारह, देखिए चार तियाई बारह बारह हो जाएगा और माइनस में होगा एक्स एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बारह एक्स स्क्वायर हो गया। फिर वन को माइनस फोर एक्स में करेंगे तो माइनस फोर एक्स ही होगा, सिंबल चेंज कीजिए माइनस है प्लस हो जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो कट जाएगा ये प्लस ये माइनस में है ये कट गया, इसको देखिएगा बारह एक्स स्क्वायर प्लस में आई माइनस में तो बारह में से दस गया दो एक्स स्क्वायर होने दीजिएगा, ये प्लस में है चार एक्स और दो एक्स प्लस में भी है तो कितना हो जाएगा चार दो छ एक्स प्लस टू। अब यहां पे टू एक्स स्क्वायर लाना है, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है तो कैसे किया जाए कि टू एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा गुना कीजिए यानी टू से सिर्फ गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू से, तो टू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर इसमें भी गुना कीजिए टू से तो तीन दो छ एक्स प्लस छ एक्स प्लस एक को गुना करेंगे दो में तो कितना हो जाएगा दो ही ना होगा, चेंज कीजिए यहां माइनस माइनस माइनस, देखिए ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, देखिए ये भी प्लस माइनस में है तो ये इसको भी कटा दीजिए, ये कितना आ गया अब रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया जीरो। अब अतः करके लिख दीजिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, बस यही दिखा रहा था हो गया। अच्छा दो का तीन नंबर क्वेश्चन काफी आसान है आप देखते रहेंगे, पहले इसको देख लीजिएगा यहाँ पे x के पावर फाइव है तो इसके बाद क्या होना चाहिए था फोर तो नहीं है तो इसको लिख लीजिए x के पावर फाइव यहाँ पे लिख दीजिए प्लस जीरो एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स के पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक तो ये पद नहीं दिया था हमने लिख दिए आसान करने के लिए आपको समझ आएगा हालांकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। चलिए लिखा जाए इसको पहले लिख लीजिए एक्स के पावर फाइव प्लस जीरो एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स के पावर थ्री प्लस एक्स के पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस वन, देखिए इससे भाग करनी एक्स के पावर थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस वन, यहां पे एक्स के पावर फाइव है यहां पे एक्स के पावर थ्री है एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर फाइव हो जाएगा कि नहीं, तो इस सब को भी उसी में गुना करना है तो थ्री को गुना करेंगे वन में तो थ्री माइनस थ्री हो जाएगा और एक्स को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स के पावर थ्री हो जाएगा। फिर वन को गुना कीजिए एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा प्लस में होगा प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, सिंबल चेंज कीजिए माइनस और यहां पे प्लस यहां पे माइनस, देखिए ये तो कट गया। यहां देखिए तीन तीन में से चार को घटाइए तो माइनस एक्स क्यू सिर्फ बच जाएगा, यहां पे देखिएगा ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा
अब क्या क्या बचेगा देखिए तो 3x + 1 यही सब ना बचेगा सिर्फ। अब देखिए माइनस एक्स क्यू लाना है तो एक्स क्यू है सिर्फ माइनस वन से गुणा कर दीजिएगा माइनस वन से तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तीन को गुणा कीजिए एक में तो तीन हो जाएगा तीन एक्स और प्लस वन वन को गुणा कीजिए वन में माइनस में तो क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी माइनस वन को गुणा करेंगे माइनस वन में तो माइनस वन हो जाएगा। सिंबल चेंज कीजिए प्लस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये तो कट जाएगा ये भी कट जाएगा ये कितना हो जा रहा है बोलिए तो एक एक दो हो गया शेषफल बराबर दो आ गया है कि नहीं है। और अतः करके लिख दीजिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणन खंड नहीं है क्योंकि शेषफल कितना आ गया है दो ये जीरो नहीं था इसलिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे।